सर वी आर फाइनली एट IIT बॉम्बे, पीछे देख सकते हो, एंड वी मेट आर लाइक जूनियर एंड फेलो कंटेंट क्रिएटर. तो मीट. हाय गाइस, हेलो, माय नेम इज इकनूर सिंह, आई एम अ थर्ड ईयर अंडरग्रेजुएट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ IIT बॉम्बे. एंड वेल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आफ्टर 1.5 ईयर्स ऑफ नोइंग निशांत भैया, वी आर फाइनली मीटिंग. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर प्लान्ड आउट एंड मजा आने वाला है. चलो अंदर चलते हैं. Sure. तो यार ये टू आर राइट, अभी आप ये वाला जो है, दिस इज हॉस्टल 10 बेसिकली, एंड हॉस्टल 10 इज द सीनियर गर्ल्स हॉस्टल. यहाँ पे बीटेक की भी, एमटेक की भी, एंड ऑल द सीनियर गर्ल्स. बेसिकली दिस इज द बिगेस्ट हॉस्टल फॉर गर्ल्स. बहुत बड़ा है एंड अंदर से बहुत सुंदर भी है. मैं तो कभी जा नहीं पाया अभी तक, बट हाँ, आई हैव सीन अ फ्यू व्लॉग्स व्हिच पीपल हैव मेड एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इवन द रूम्स आर वेरी गुड. तो एक बात जानने वाली है अबाउट IIT बॉम्बे, दैट गर्ल्स हॉस्टल्स आर वे वे बेटर देन बॉयज हॉस्टल्स. ये भेदभाव क्यों? एंट्रीज अलाउड होती है, लाइक बॉयज कैन एंटर गर्ल्स हॉस्टल इन IIT बॉम्बे ना. यस, सो देयर इज जस्ट दिस थोड़ा सा टाइम कर्फ्यू, आफ्टर 9 PM यू आर नॉट अलाउड टू, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर बॉयज हॉस्टल एंड वाइस वर्सा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब यू कैन एंटर से एंट्री करके प्रॉपर्ली. गुड इनफ. हां मतलब वो अच्छी बात है. बट IIT हैदराबाद में गया था, वहां पे फुल होता है लाइक पूरा टाइम. रहो ब्रो, IIT बॉम्बे का कैंपस इज लाइक 1000 एकर्स. हां मतलब दे एक्चुअली आल्सो इंक्लूड द लेक वाला एरिया एंड ऑल. हां वाला एरिया, बट हाँ भाई बहुत बड़ा तो है ही, मतलब थक जाते हैं यार चलते चलते ऐसे. इवन व्हेन वी हैव टू गो टू आवर क्लासेस, यू हैव टू वॉक 1 किलोमीटर इन द मॉर्निंग. मेरे को लग रहा है आज तो पक्का तक नहीं वाले. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? यार ये एंट्री है हॉस्टल 10 की, एंड उस तरफ तो रेजिडेंशियल एरियाज हैं. ओके चलो अब आगे चलते हैं. ये वाला यार दिस इज द गुलमोहर गार्डन कॉफी शॉप. ऊपर उसमें रेस्टोरेंट भी है, वो जो फर्स्ट फ्लोर पे देख रहे हो आप. एंड वैसे लेकिन दिस इज द मोस्ट पॉपुलर हैंग आउट स्पॉट. यहाँ पे यूजुअली लोग बैठते हैं एंड इज अ ग्रेट प्लेस टू हैंग आउट. सीनियर पार्टीज भी इधर दे देते हैं. से ओपन में अच्छा सा गार्डन कैफे टाइप है, मतलब कॉलेज के अंदर रेस्टोरेंट ब्रो. अभी धीरे धीरे और खुल रहे हैं, आपको दिखाऊंगा. जैसे डोमिनोज जस्ट ओपनड अप लाइक अ वीक अगो, एंड उसकी एंड सब्सिडाइज्ड रेट्स. नहीं नहीं, डोमिनोज नॉर्मल सेम है. कॉलेज में कैंटीन्स तो बहुत देखी होंगी, बट इंडिया में तो आई हैव नॉट सीन, प्राइवेट कॉलेज को छोड़ के. कोई ऐसे डोमिनोज वोमिनोज भी हो कॉलेज के अंदर ही, आराम से बैठो एसी में खाओ. जस्ट रिसेंटली ओपनड यार, अभी ऑलमोस्ट आई थिंक एक हफ्ता हुआ है इसको, एंड हम तो बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज द फैक्ट वॉज डोमिनोज डिड नॉट डिलीवर इन साइड कैंपस, बाकी सारे रेस्टोरेंट्स पे कर लेते थे. तो भाई IIT बॉम्बे ने बोला इधर ही बना लेंगे हम अपना डोमिनोज बनाएंगे, एंड हियर इट इज. फाइन सही है. So this is the convocation hall. कहते हैं this is where it all starts, this is where it all ends. क्योंकि जब freshers आते हैं उनकी orientation भी इधर ही होती है. बहुत बड़ा सा auditorium है, शायद अभी खुला नहीं होगा. लेकिन हाँ वो भी freshers orientation भी इधर होती है, and of course जैसे नाम suggest करता है convocation also happens here only. तो last event और first event आपका IIT बॉम्बे में यहीं पर होता है. And it's a beautiful place, अंदर से भी. So we are finally at hostel 3, जो हमारे एक नूर भाई का हॉस्टल है. That's the hostel, Vitruvians कहते हैं. And ये सबसे मचाऊ हॉस्टल है. H3 करते रहते हैं भाई, हर GC ऑलमोस्ट जीतता है बिकॉज H3 rocks. So yes, this is the प्यारा सा हॉस्टल है, काफी पुराना. सुंदर लग रहा है यार ये काफी ज्यादा. And एक स्वीट सा वो है यहाँ पे, मतलब छोटी छोटी बालकनी है. दैट्स द USP. लाइक दिस इज द इन्फिनिटी कॉरिडोर. दिस बेसिकली कनेक्ट्स ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ IIT बॉम्बे. दीज लिटिल ब्लू बोर्ड यू सी ऑन ऑल द साइड्स दैट विल गाइड यू टू द प्लेस यू वांट टू गो. जैसे ये BMCC है, ये कन्वेंशन सेंटर है, इसमें काफी बड़े बड़े ऑडिटोरियम एंड सेशन होते हैं यहाँ पे. सर अब तुम कोडिंग वगैरह कर रहे हो तो देर इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस. अभी कोडिंग निंजास का ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी, फ्राइडे तक ही थी, बट एक दिन और एक्सटेंड हो गई है, दैट इज 26th of November. आज पूरे दिन के लिए सेल इसमें तो 41% अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस 20% अगर तुम नीचे वाले लिंक से जाते हो तो. एंड इफ यू डोंट नो अबाउट कोडिंग निंजास इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. तुम्हें पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, DSNC++, जावा, पाइथन. जहां पे इंस्ट्रक्टर्स हैं यार वो तुम्हारे IIT स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने फेसबुक, अमेज़न जैसी अमेजिंग कंपनीज में काम किया हुआ है. प्लस यार अगर तुम कोई कोर्स वगैरह करते हो तो डाउट्स तो आने होते ही हैं. तुम्हें यहाँ पर 200+ हिंट वीडियोस मिल जाती हैं DSNC++ वाले कोर्स में. एंड उसके बाद भी अगर तुम्हारे डाउट्स नहीं सॉल्व होता है तो तुम्हारे पास TA सपोर्ट तो है ही, 3 से 4 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे डाउट्स वगैरह सॉल्व कर देते हैं. 20% + 41% का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लो, और कोई भी कोर्स वगैरह लेना है तो ले लो. अब वापस चलते हैं वीडियो की तरफ. As you can see, दूर दूर तक देखने पर बस तुम्हें कॉरिडोर ही कॉरिडोर दिख रहा है. As the name it's infinity. Yes, देखो ग्रीनरी पूरी तरफ है, वो भी है, शेड भी है, पूरा शेड भी है, ठंडा ठंडा. इज नॉट अ इशू यहाँ पे, नहीं तो बाहर तो बहुत गर्मी है. What is this Iknur? We are in. This is the lecture hall complex का ground floor, मतलब यहाँ पे classes नहीं है. हाँ मतलब छोटी छोटी होंगी यहाँ पे classes. But ये lecture hall complex में mostly वही होते होंगे ना. Classrooms. People are giving exams यहाँ पे. उनको जाके हाँ भाई बच्चा रहता है. I saw teachers. Okay.
दिस इज द शिरू कैफे बेसिकली चार के बीच में जब भी कोई फ्री कॉफी फ्री टी या रैंडम चीजों का मन करे पीने के लिए यू कैन गो टू शिरू कैफे इट्स अ गुड प्लेस मतलब हाई क्लास के बीच में रिफ्रेश होने के लिए बट लाइन लग जाती है बहुत लंबी लाइन लग जाती है अच्छा एंड दीज हियर आर एलएज एलएज आर द बिगेस्ट क्लासरूम ऑफ आईआईटी बॉम्बे पर जैसे मूवीज में देखते हैं ना हम लोग प्रॉपर वैसे वाला है एंड लाइक एमआईटीज एंड स्टैनफोर्ड लेवल दिस इज टू गुड एंड भाई यहां पे मस्त अपना लैपटॉप वैपटॉप चार्ज करो सॉकेट्स की दिक्कत नहीं है यस प्रोजेक्टर एंड ऑल सब कुछ सो दैट इज कैफे 92 यार ये बैच ऑफ 1992 ने बनाया था एंड ये भी गो टू प्लेस है आफ्टर लेक्चर्स जब खाने पीने के लिए अगर आना हो आइटम पास्ता तुम देख लो देखने में ही बहुत बेटर है मतलब ये क्या है यार ये जो आप वहाँ पे देख रहे हो दैट्स द मेन बिल्डिंग आईआईटी बॉम्बे की एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीनिक एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस तो इस गार्डन में भी काफी कुछ होता रहता है काफी एक्टिविटी होती रहती है राइट देयर इज द पीसी सक्सेना ऑडिटोरियम जहाँ पे काफी इवेंट्स होते हैं एंड ये मेन बिल्डिंग में बेसिकली देयर आर ऑफिसेस जैसे एकेडमिक ऑफिस जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस क्लासेस नहीं होती बट मोस्टली एडमिन वाला जितना भी काम है वो सब यहीं होता है करेक्ट करेक्ट लेफ्ट में मतलब वो जो दो हैंड्स बने हुए हैं वो आर्ट स्कल्पचर भी आईडीसी ने बनाया है तो जो पुराना इन्फिनिटी कॉरिडोर था उसको तोड़ के उसके ही मेटल को रीयूज करके वो स्कल्पचर बनाया तो लाइक वो रीयूज करके सस्टेनेबिलिटी का एक वो बनाया है काफी से लुक्स गुड यप तीन हैंड्स ऊपर भी हैं उसके फिर तीन छोटे से ये सारा मेटल आई थिंक ऊपर वाले तीन 3D प्रिंटेड है तो वन ऑफ द फर्स्ट 3D प्रिंटेड चीजें आईआईटी बॉम्बे की ये सेंट्रल लाइब्रेरी है ये अंदर से भाई बहुत ही बड़ी है काफी फ्लोर्स वोर्स हैं इसी के अंदर रीडिंग हॉल भी है राइट तो दिस इज आल्सो अ ग्रेट प्लेस वेयर पीपल कम टू स्टडी एंड दिस इज 24 आवर्स ओपन है ना राइट लाइब्रेरी इज नॉट 24 आवर्स ओपन बट लाइब्रेरी का एक सेक्शन इट्स कॉल्ड द रीडिंग हॉल दैट इज 24 आवर्स ओपन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हेलो आई एम रोहन फ्रॉम मैकेनिकल एट आईआईटी बॉम्बे हे आई एम संदीप फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यार हाँ थोड़ा सा चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना मेरा संदीप 001 आईआईटी बॉम्बे सब्सक्राइब कर देना बस थैंक यू सो मच थैंक बहुत मज़ेदार है आपको टिप्स मिल जाएंगी जेई नीट के लिए मेरी तरफ से भी तो सब्सक्राइब कर देना और यार हाँ भैया का तो कर ही देना थैंक यू सो मच एवरीवन ठीक है यार सो बताओ ये कहाँ कहाँ पे यार ये पीछे अगर देखें हम तो दिस इज द स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर AKA SAC यहाँ पे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स हैं IBs के रूम्स हैं IBs आर लाइक मूड इंडिगो टेकफेस्ट ईसेल ये सब जो सबसे फेमस चीज़ें हैं IIT बॉम्बे की वो फेस्ट के रूम्स हैं मोस्टली वो लोग यहाँ पे काम करते हैं अभी जैसे ये वॉल है दिस कॉल्ड द मूड इंडिगो / टेकफेस्ट वॉल हाँ दिस इज द रिंग ऑफ फायर भाई यहाँ पे काफ़ी लोग फोटोज खिंचवाते हैं और हाँ मतलब सुंदर लगता है ये एंड यस दिस इज द SAC ये पूरा मतलब भरा रहता है कोई भी बड़ा फेस्ट हो सब कुछ इधर होता है उधर मैं आपको स्टेज दिखाता हूँ अभी दिस इज पेंटेड बाय टेक फेस्ट मूड इंडिगो जब जो इवेंट हो रहा होता है यहाँ पे फिर बेसिकली लोग बाहर से आके फोटोज वोटोज खिंचवाते हैं तुम देखो पूरी चारों तरफ बस पेंटिंग ही पेंटिंग करी हुई है मस्त एकदम करेक्ट करेक्ट स्ट्रीट आर्ट्स वहाँ भी ऊपर ऊपर तक कोने कोने तक स्ट्रीट आर्ट्स ही स्ट्रीट आर्ट्स हैं तो यार मतलब दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल तो ये बेसिकली OAT है कॉल्ड दी ओपन एयर थिएटर यहाँ पे बड़े बड़े फेस्ट्स होते हैं बैंड्स वैंड परफॉर्म करते हैं एंड तो लोग क्रिकेट विकेट भी खेल लेते हैं एंड काफ़ी मज़ेदार चीज़ें इधर होती है तो ये पूरे स्टैंड्स भरे रहते हैं इनफैक्ट मोस्ट ऑफ आर व्लॉग्स आर शॉट हियर मतलब तो बहुत मतलब ये एक क्रेजी जगह है जहाँ पे बहुत चीज़ें होती हैं सही है अभी लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं मतलब मल्टी यूज है ये OAT सो यस दिस इज द मेन ग्राउंड वी वर टॉकिंग अबाउट इज द जिमखाना ग्राउंड सारा इवनिंग में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं इनफैक्ट द जनरल चैंपियनशिप्स एथलेटिक चैंपियनशिप अभी अभी यहाँ पे हुई थी द फियरसेस्ट कॉम्पिटिशन जो हॉस्टल्स के बीच में होता है एंड एवरीबडी इज रूटिंग फॉर देयर हॉस्टल एंड जैसे मैंने बोला H3 इज द बेस्ट हॉस्टल्स हैं टोटल यहाँ पे टोटल यार मतलब वैसे तो H18 तक हैं बट दो तीन हॉस्टल अभी रेनोवेशन के अंडर हैं जैसे 7 और 8 अभी पूरे टूटे हुए हैं एंड वो नए बन रहे हैं सो हाँ वैसे अभी 18 तक पहुँचा है एंड 21 एंड 22 तक भी अंडर कंस्ट्रक्शन हो गया है मतलब वो सर आवर टूर इज ऑलमोस्ट ओवर वी आर बैक एट द गेट वेयर वी स्टार्टेड तो काफ़ी अच्छा था काफ़ी अच्छा लगा एक नूर से मिलकर एंड फिर खुशी से भी मिल गए सो इट वॉज अ वेरी गुड डे एंड इट्स टाइम टू लीव 5:30 हो चुके हैं फ्लाइट लाइट मिस ना हो जाए अपनी मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा yes. अब अपना चलते हैं घर थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू पूरा कैंपस घुमाने के लिए